तो तुम मुझे ये खुशखबरी सुना रही हो कि वो अपने अंकल से मिलवाने के लिए राजी हो गए? जी हाँ, कितनी अच्छी खबर है। वरना जब से हम पाकिस्तान आए मेरे तो कान तरस गए थे कि अच्छी बात सुनने को। माँ, कब तक मुझे गिल्टी फील करवाती रहेंगी आप? अच्छी भली सेट लाइफ, मजे में थे ऑस्ट्रेलिया में, तुम्हें शौक था आने का। माँ, हम जितने मर्जी ऑस्ट्रेलियन बन जाए, कौन तो ऐसी मट्टी का है ना हमें। सारी जिंदगी तुमने अपनी ऑस्ट्रेलिया में गुजारी, सिर्फ दो बार पाकिस्तान आई हो और बातें ऐसी कर रही हो जैसे अब यहाँ परमानेंटली आके सारे मसले तुम्हें ही सेट करने हैं। कहीं तो आप भी ऐसे रहेंगे जैसे सारी जिंदगी आप ऑस्ट्रेलिया रहे हो। माँ, बाबा की डेथ से पहले आपने भी सारी जिंदगी यही गुजारी है कराची में। मेरे पैदा होने से 6 महीने पहले ही तो आप मामू के पास गई थी रहने। माँ, क्या हुआ? अच्छा, इसे सैड नहीं हुआ करें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हो जबकि रूहान भी वहाँ रहने के लिए तैयार है, यहाँ क्या करोगी? माँ, आप जानती है ना कि मैं नहीं चाहती थी रूहान अपने अंकल को यहाँ अकेला छोड़ के वहाँ मेरे पास आ जाता। नॉर्दर्न एरियाज में एक एक्सीडेंट में उसकी सारी फैमिली का इंतकाल हो गया था, ये देख के अंकल और रूहान ने सर्वाइव किया था बस। अब तो अंकल रिटायर भी होने वाले हैं और रूहान के अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है। तो रूहान के अंकल की वजह से तुम यहाँ आई हो और मुझे भी अपने साथ यहाँ घसीट के ले आई हो? हाँ नहीं माँ, आप तो जानती हैं ना कि मुझे उर्दू लिटरेचर पढ़ने का कितना शौक था और मेरी सबसे फेवरेट पोइट्स परवीन शाकिर और जॉन एलिया साहब। रिसर्च तो ज़रूरी थी माँ, ऑस्ट्रेलिया में रह के नहीं हो सकती थी। ये बातें छोड़ें, मुझे तुम पहले भी बता चुकी हो। ये बताओ कि रूहान के अंकल देखने में कैसे लगते हैं? हैंडसम? मामा, हैंडसम तो होंगे। अगर रूहान हैंडसम है तो फिर अंकल भी हैंडसम होंगे। अब तो रिटायर होने वाले हैं, आपको पता है कहने को वो शायर भी हैं, लेकिन रूहान ने कह कह के मुझे हिफ्स करवा दिए कि वो पाइनवुड केमिकल्स में मैनेजर है। आप तो सुना कभी ये नाम पहले? Wow. क्या हुआ यू गर्ल? पानी। ओके, एक्सक्यूज मी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।